वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल। आप सभी के फेवरेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम आप सभी के सामने आज एक बहुत ही अच्छी वाली, बहुत मस्त वाली क्लास करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में अभी सारी जानकारी बताने वाली। उससे पहले भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक किस बारे में रहेगा, क्या रहेगा, है ना। टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत तो सबको पड़ती है, तो किस बारे में रहेगा, क्या रहेगा, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग गाइस कुछ जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो गाइस SSC, ठीक है, SSC कॉम्बैट का ये जो टेस्ट है, संडे आप लोग 12 बजे कर सकते हो, है ना, संडे को 12 बजे, ठीक है। अब रितिका 10 कोड आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। क्या यूज करना है? रितिका 10 कोड। आपका टेस्ट बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे ही इसका लिंक लगा होगा जिसपे लिखा होगा SSC कॉम्बैट। उस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्टली जो है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। हर संडे दोपहर को 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं और अपने प्लस एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का आप लोग के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। उसके बाद अगर गाइज मैं बात करूँ आप लोगों से फ्री क्लासेस के बारे में, तो जो लोग भी मेरे साथ फ्री क्लासेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुबह 11 बजे डेली, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे। इस समय 3 फ्री क्लासेस चल रही हैं आप लोग की अनअकैडमी पर, है ना। अब अनअकैडमी की क्लास में जुड़ने के लिए करना क्या पड़ता है मालूम? सबसे पहले तो आप लोगों को रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नाम सर्च करना है, रितिका तोमर। जैसे आप लोग ये नाम सर्च कर लोगे ना, तो आप लोग को मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप लोग फॉलो कर लोगे तो बस आपका काम खत्म। फॉलो करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। बता देती हूँ, जिन लोगों को नहीं मिलता है वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना, उसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करने का लिंक भी लगा हुआ है। तो अगर आप लोग फॉलो करने के इस लिंक को फॉलो करते हैं तो आप लोग अनअकैडमी के डायरेक्टली जो है वो मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल सर्च करोगे, वहाँ 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, यानी कि 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। बच्चे क्लासेस करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। इस समय सबसे टॉप की क्लासेस जो है वो अनअकैडमी पे ही चल रही हैं। इस उसका फ़ायदा क्या होता है गाइस, फ़ायदा भी तो देखो, फ़ायदा ये होता है कि अनअकैडमी पे पढ़ाई करने से ना हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। यहाँ वाली क्लासेस भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़ेदार होती है। बट स्पीड अगर इंक्रीज करना है तो सिर्फ अनअकैडमी क्लास में आना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे हम लोग पोल सिस्टम के थ्रू क्वेश्चन का आंसर कर देना, जिससे आप लोग का आंसर विद इन सेकेंड्स में आता है ना। और सेकंड में जब आंसर आएगा आप लोग का, कि आपको 5 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप रीजनिंग में, आप लोगों को पता है मेन जो चीज़ है वो आप लोगों का स्पीड है, स्पीड इंक्रीज होना चाहिए, तो वही आप लोग के काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन, प्लस का गाइज जो मेरा कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 7 अक्टूबर से ही कोर्स स्टार्ट हुआ है, न्यू कोर्स, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये नया कोर्स जो है वो आप लोग का स्टार्ट हुआ है, आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स इसी वीक स्टार्ट हुआ है, ऑल एजुकेटर्स का, ऑल टीचर्स का। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई, चाहे आप SSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन चाहिए, चाहे आपको रेलवे कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन चाहिए, दोनों के लिए आप लोग रितिका 10 कोड लगा सकते हैं। रितिका 10 कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका अमाउंट 10% लेस हो जाएगा। और कॉइन्स भी अपने यूज़ करोगे, जो आपको फ्री कॉइन्स मिलते हैं ना फ्री क्लासेस से, अगर अपने कॉइन्स भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो भी कॉइन्स भी यूज़ करोगे तो भी आप लोगों को भाई, सीधी सीधी बात है कि रितिका 10 से आप लोगों का जो है सब्सक्रिप्शन हो जाएगा विद बहुत ही कम अमाउंट, ठीक है। अब आज की क्लास में गाइस आप लोगों को बता दूं किस बारे में, आज की क्लास है बेसिकली काउंटिंग फिगर्स को लेकर, स्पेशली काउंटिंग ट्राइंगल्स। ये यार ऐसा चैप्टर है जो हम लोग कितना भी पढ़ लें, एक तो समझ में नहीं आता है ना, लेकिन कोई ने ट्रिक अच्छे से पढ़ाई नहीं होंगी तो समझ में कैसे आएगा। बट आज आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो भाई काउंटिंग ट्राइंगल्स पे आज हम लोग चलने वाले हैं, जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर काउंटिंग ट्राइंगल्स के लिए रेडी हो जाइए। ये चैप्टर का वेटेज क्या है,
हर एग्जाम में, एसएससी में हो, रेलवे में हो, बैंक में हो, क्या एसएससी रेलवे या सॉरी स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग में नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट, एसएससी रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काउंटिंग ट्राइंगल्स तो पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले सेशन में, जब हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ेंगे अगले सेशन में, यहाँ पे काउंटिंग ट्राइंगल्स जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए रेडी हो जाइए जल्दी से और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखो बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि हाई लेवल नहीं पढ़ाऊंगी, हाई लेवल भी पढ़ाती हूँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी, ठीक है। तो आज के चैप्टर का स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से होगा, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है उन लोगों से भी ये चैप्टर बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड पर, आप लोग अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती हैं, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। चलो क्लास का जो समय है वो भी आप लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे 9:15 PM का है, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख सकते हो, है ना। चलो सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं गाइस। ये एक ट्राइंगल है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, वन ट्राइंगल है कि नहीं, एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इस ट्राइंगल में बीच में एक लाइन आई, वैसे ही यहाँ पे तीन टुकड़े हो गए, हुए कि नहीं, एक ये वाला और एक सबसे बड़ा कंप्लीट, तीन हो गए यहाँ पे। सीधी सीधी बात है, मतलब ये समझना है हमें, पता है क्या करना है कि जब भी हमारे ट्राइंगल में ऐसी वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं, जब भी हमारे ट्राइंगल में इस तरीके की वर्टिकल लाइंस आती हैं, ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस के आ जाने से ही, वर्टिकल लाइंस के आ जाने से ही हमें नंबर ऑफ पार्ट्स को ऐड कर लेना पड़ेगा। वर्टिकल लाइंस के आने से ही हमें नंबर ऑफ पार्ट्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है ना। अब आ जाते हैं, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर। मतलब आप पहले पार्ट्स जितने भी ना ट्राइंगल के जितने टुकड़े हुए, लाइंस जितनी कट हैं, जितने टुकड़े हुए, उनका हम लोग ऐड कर देंगे उनको, ठीक है। मतलब ये पहला पार्ट है आपका, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है और ये चौथा है, सही है ना। तो वन टू थ्री फोर सबको ऐड कर लो, बस बेसिक सिखा रही हूँ, बिल्कुल आगे इसमें मदद मिलेगी आप लोग को इस चैप्टर को करने में, टेन आ जाएगा भैया, बिल्कुल वन टू थ्री फोर ऐड करके टेन आ जाएगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को मदद मिलेगी इसको करने में, ठीक है। तो भैया यहाँ पे टेन आ गया आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इसको बनाओ, जरा क्या आ रहा है चेक करो। अब यहाँ पे ये जो एक ट्राइंगल था, अगर हमारे पास हॉरिजोंटल लाइन्स है, जैसे एक तो ये वाली हॉरिजोंटल लाइन है, तो एक ही ट्राइंगल होगा, एक इसके नीचे दो हो गया और एक इसके नीचे तीन हो गए। हॉरिजोंटल लाइन्स में तो जितनी लाइन्स होती है ना उतने ही ट्राइंगल्स होते हैं, यानी कि ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है, इधर तो चार ही होंगे, एक तीन चार, ठीक है। तो हॉरिजोंटल लाइन्स में जितनी लाइन्स हैं उतने ही ट्राइंगल होते हैं और वर्टिकल लाइन्स में नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं और हम लोग हम सीखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन की मदद से। चलिए 15 सेकेंड का टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका आंसर फटाफट से कर दीजिए। चलो हो गया ना। देखो भाई सबसे पहले ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ये आपका चौथा पार्ट है और ये आपका पांचवा पार्ट है। नंबर ऑफ पार्ट्स को हमें ऐड करना है। जैसे हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स को ऐड करेंगे ना, ऐड करते ही जो कि है हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 15 आ गया, है ना। यहाँ पे ये 15 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गाइस, चलिए नेक्स्ट वाले फिगर पे हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी से करते जाओ, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, फटाफट से सॉल्व करते जाइए। इसको चेक करिए क्या बनेगा, यहाँ पे क्रॉस चेक करिए। हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी जैसा मैंने बोला अगले सेशन में, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको जरा सॉल्व करो, पढ़ो, देखो, फिर बताओ क्या आंसर बनेगा। चलो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखना पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, बेस पर काउंट करना है आप लोगों को, ये पांचवा, जितने पार्ट है उनको ऐड कर लो, ठीक है। ये आप लोग का पांचवा पार्ट है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब ये बताओ यहाँ से भी तो ये भी तो बेस है ना, ये भी तो बेस है ना यार, तो यहाँ पे भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, जैसा नीचे था बिल्कुल सेम ऊपर भी वैसा ही है, तो 15 तो हमें यहाँ से भी मिलेंगे, 15 15 दोनों को मिलाकर हमारे पास आ गया 30। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, क्लियर होता जा रहा है तो डन कर दीजिएगा। 30 आ गया पिछले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताइए। आज बहुत अच्छी अच्छी वाली ट्रिक्स मैं आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे समझाऊंगी, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, और अगर बेसिक आ गया तो फिर तो बन ही जाएगा, हाई लेवल भी मैं कराऊंगी आप लोगों को अगले सेशन में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करना शुरू कर दीजिए। चलो बन गया, आप देखो यार इसमें क्या करें, वही था ना, बेस पे हम लोगों ने काउंट किया, पहला ये दूसरा बेस हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, ठीक है ना, सही है ना। तो अब क्या करें इसके लिए भाई, वही कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15।
यहाँ पे भी अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार और पाँच, यहाँ पे भी हमने ऐड किया तो 15 ही आया, और यहाँ पर भी सेम हम लोग ऐड करेंगे इस वाले बेस से 1 2 3 4 5 सिमिलरली, यहाँ पे भी 15 आएगा, यानी कुछ भी यहाँ पे हमने ऐड करा तो 15 आया। और हाँ एक बात बता दूँ, बड़े वाले ट्राइंगल को इसमें अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल नीचे वाले 15 बेस में इंक्लूड होता है, तो उसको अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से फाइंड आउट वहाँ होता है जहाँ बेस में इंक्लूडेड ना हो, यहाँ तो बेस में इंक्लूडेड है ना, मतलब नहीं समझे, मतलब देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पे इस तरीके की दो लाइन्स है, तो आपने पहला पार्ट कर लिया, ये दूसरा ये तीसरा, सबको ऐड कर दोगे, 1 + 2 + 3 6 आएंगे यहाँ पे, इन 6 में ये बड़ा वाला भी इंक्लूडेड होगा पहले से, अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 45 आएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें मैं आप लोगों को एक मेथड सिखाना चाहती हूँ, पहले आप इसका आंसर करो। इसका एक बहुत शानदार सा मेथड है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, और आप लोगों से ये सवाल बनने लगेगा, ठीक है, बहुत मज़ेदार यहाँ पे आपका ये सेशन होगा, पक्का पक्का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे, और इजीली आप लोग इस सेशन को कर पाएंगे, ट्राइंगल्स आज से कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बताइए। देखो भाई सीधी सी बात तो ये थी ना कि ये है हमारा पिक एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप का मतलब है एक लेना है एक छोड़ना है। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले बेस पे जितने ट्राइंगल्स हैं ना उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले बेस पे जितने ट्राइंगल्स हैं उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, 1 2 3 काउंट कर लो, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5। ट्राइंगल के अंदर जब इस तरीके के बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो लिख लो भाई यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि 3 थे बेस पर, 4 होते तो 4 लिख लेते। आप क्या करें, 1 के सामने हमेशा 1 लिखिएगा, 1 के सामने हमेशा 1 लिखना है, 2 + 1 क्या होता है यहाँ पे 3, ऐड करके 3 + 3 को ऐड करके सामने लिखना है 6, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, 1 के सामने हमेशा 1 लिखो, 2 + 1 को ऐड करके सामने 3 लिखो, फिर इस 3 + 3 को ऐड करके सामने 6 लिखेंगे। अब हमने इनको ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड करके 10 आया, लेकिन इसका आंसर 10 तो नहीं होगा, एक और मेथड यहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपको, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, पहला वाला कभी काउंट नहीं करते याद रखना, पहला वाला आप लोग कभी काउंट नहीं करोगे, ठीक है, पहला वाला हम यहाँ कभी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा करना पड़ेगा, फिर एक लेना है एक छोड़ना है, पहला वाला नहीं काउंट करना कभी भी, फिर ये वाला हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 और ले लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 13। अगर आप लोग 13 पे टिक करोगे तो यहाँ पे 13 बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले वाले को याद रखना, कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर हमने एक ले लिया एक छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया तो दूसरा लेना पड़ेगा, फिर तीसरा छोड़ दिया तो चौथा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चौथा तो था ही नहीं, 3 ही थे, ठीक है, 4 होंगे तो हम लोग 4 लिखेंगे। अब इसी मेथड को अगर आप अगले क्वेश्चन पे भी फॉलो करोगे ना, तो आप लोग उससे आसानी से बन जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, चलो बन गया। अब देखो मैंने बताया था ना, बड़ा होता जाएगा ये फिगर और बड़ा होता जाएगा, बेस पे काउंट कर लो कितने ये ट्राइंगल्स, बस वही बनेगा हमारा। हमने देखा यहाँ पे बेस पे हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 लिख लिया। 1 के सामने हमेशा 1 लिखना पड़ता है, इस 2 को 1 में प्लस करके सामने क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस 3 को 3 में ऐड करके सामने लिखते हैं 6, 6 को 4 को ऐड करके सामने लिखते हैं 10, ऐड कर दो सबको यार, सबको ऐड कर दीजिए, जैसे आप सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, लेकिन 20 आंसर नहीं है ना, फिर उसके बाद वाला मेन काम तो करना ही है, पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आप लोगों को, है ना, पहला वाला आप कभी काउंट नहीं करोगे, ये वाला काउंट कर लोगे, उसके बाद ये वाला काउंट नहीं करोगे, फिर हम ये वाला काउंट कर लेंगे, एक लेना है एक छोड़ना है, तो 6 ले लिया हम लोगों ने, प्लस ये वाला 1 लिया है, ये रूल होता है, ये ट्रिक होता है, ये मेथड होता है, आपको यही हमेशा फॉलो करना है, 27 इसका आंसर होगा, तो अगर आपने 27 लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये मेथड हमेशा इसी तरीके के फिगर्स के लिए बनेगा जब ट्राइंगल के अंदर इस तरीके के बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, ये मेथड हमेशा यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, डन कर दीजिएगा अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे बेस पे समझ लो, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको मैं समझा देती हूँ कैसे करना है। देखिए भाई सबसे पहले यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है, 2 है ना, ये तो समझ में आए 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जब पार्ट्स होते तो आप पता है क्या करोगे, पार्ट्स का मतलब है पहला पार्ट, दूसरा कहीं से भी काउंट कर लो, तीसरा पार्ट है,
तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। तो आप नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल करना होता है भाई, यहाँ पे रूल है नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दीजिए। नंबर ऑफ पार्ट्स का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे इंटू टू, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देंगे इंटू टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार है ना, चार पार्ट्स, चार का हमने डबल कर दिया, तो चार का डबल कर दो कितना हो जाएगा, 4 का डबल करेंगे यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे मैडम 8 कहाँ से आया, हमें तो 4 ही दिख रहा था। मैं बताती हूँ, देखो 4 तो आपके सीधे सीधे हो गए सिंगल सिंगल, लेकिन 4 कहाँ से आएंगे वो मैं बताती हूँ। एक तो आपका ये वाला आएगा, देखो पहला, एक दूसरा इसी के बगल में, ठीक है, एक तीसरा यहाँ पे ऊपर की साइड और एक चौथा यहाँ पे, है ना। तो 4 और आ गए, यानी कि 8 हो गए आपके पास। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे जितने भी फिगर है उसका आंसर करते हुए चले जाइए, जैसे इसका आंसर विदाउट ऑप्शन भी बता सकते हो। चलो जल्दी जल्दी, मैं 15-15 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ, करके बताते जाओ कितने ट्राइंगल्स हैं। आगे इसकी हेल्प पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो ज़रा सॉल्व कर दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। बन गया, देखो भाई ये आपका है पहला, ये आपका है दूसरा, ये आपका है तीसरा, ये आपका है फोर्थ। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, 5 और 6, ठीक है ना, 6 पार्ट्स हैं आपके पास। तो 6 का इंटू 2 से कर दीजिए, सीधा सीधा 6 का इंटू 2 से करोगे 12 ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पे, है ना। आई होप सो समझ में आ गया होगा, 12 ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं। अगला बताइएगा, अगला कितने का है, चेक करिए इसको, बताओ चलो अगला कितने का होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं आप लोगों को, चेक करो। अभी आगे जितने भी फिगर्स होंगे ना वो इसमें काम आएंगे, इसलिए बता रही हूँ। चलिए भाई 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो 8 का इंटू 2 से कर दीजिए, कितने हो जाएगा 16, है ना। तो यहाँ पे तो 16 आए ट्राइंगल सीधे सीधे। अच्छा जी, अब ऐसे में कितने हैं, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा देखकर सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना बन रहा है, ठीक है। चेक करो जरा कितने आ रहे हैं, और दो स्क्वायर जुड़ गए हैं, तो जुड़ने वाली जगह पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। जैसे कि देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका एक स्क्वायर है कि नहीं, ये हमारा एक स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, ये हमारा स्क्वायर है ना। तो हमने 4 का डबल कर दिया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से भी हमारा 8 आएगा। अब 8 के 8 और 8 हमारे पास 16 तो हो गए, बट 16 हमारे पास आंसर नहीं है, और 16 इसका आंसर है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हिडन फिगर्स नाम की भी एक चीज़ होती है, हिडन ट्राइंगल्स, हिडन फिगर। हिडन फिगर वहाँ बनते हैं जहाँ दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ। तो यहाँ पर अगर जुड़ रहा है ना, तो एक ट्राइंगल तो ये भी बनेगा बीच में, ये देखो, और यहाँ पर एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा बीच में, है ना। तो बताइए यहाँ पे कुल कितने ट्राइंगल थे, 2 और ऐड हो गए, कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए, 18, ठीक है, 18 हो गया होगा। चलिए अगला करते हैं हम लोग, अब इसी तरीके का अगला फिगर कर लीजिए, जितने ज़्यादा करोगे उतना आंसर बनेगा, और फिर हाई लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग इसी में करेंगे तो हमसे बन जाएगा। चलो देखो अब बताओ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई चेक करो, यहाँ से भी कितना मिलेगा बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, तो 8 यहाँ से मिलेगा, 4 का डबल कर दिया, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। भाई जो लोग भी स्टार्टिंग से ज्वाइन करें उनको पता होगा 4 का डबल कैसे किया मैंने, इसीलिए कहती हूँ टाइम से क्लास में जुड़ा करो आप लोग डेली, ठीक है। सेम चैनल सेम टाइमिंग, देखो 8 का 3 बार 24 आ गया। अब हिडन ट्राइंगल्स पहले गिना करो, भूल जाते हैं कई बार लोग बाद में, 24 भी वैसे भी ऑप्शन में भी लिखा हुआ है 24, कहीं 24 पर टिक ना कर दे, इसलिए पहले हिडन वाला काउंट कर लो। हिडन वाला कितना यहाँ पे देखो, 1, 2 आपका ये वाला हो गया, है ना, तीसरा, ठीक है, चौथा, है ना। तो 4 हो गए आपके पास, तो 24 + 4 बराबर हो गया 28, ठीक है, 24 + 4 बराबर हो गया 28, तो ये 28 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट अगर हम लोग ट्राई करें तो इसको चेक करते हैं। अब इस बार इस तरीके से जुड़ा हुआ है, बट बन जाएगा आप लोगों से, मैं बता रही हूँ ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सवाल आप लोगों से बनते हुए चले जाएंगे।
देखो भाई अब क्या करें, यहाँ से आठ निकाल लो। अब तो बिल्कुल शॉर्टकट निकाल लेते हैं हम लोग, आठ आठ निकाल लेते हैं यहाँ पे तीनों से। तीनों से अगर हम आठ आठ निकालेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि 24 आएगा कि नहीं। बिल्कुल बेसिक समझ लो, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, फिर हाई लेवल तो तब समझ में आएगा जब हम पहले बेसिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 24, है ना, 24 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गाइस, तो सबसे पहले आप लोग देखना हिडन वाले गिन रही हूँ, एक दो, नीचे की तरफ ही आ गया आपका, है ना, ये दो हो गए। अभी फिर और बता दी हूँ कहाँ से मिलेंगे हमें। चलिए दो हमारे पास ये वाले हो जाएंगे, एक तो ये वाला इस तरफ, ये भी तो हमारा जॉइंट्स पे आ रहा है, हिडन वाला तो ये भी है, एक इस तरफ हो गया, यानी कि दो और हो गए। अब 28 हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 28 नहीं है। एक जो सबसे बड़ा वाला है वो अभी तक आप लोगों ने काउंट नहीं करा, उसको भी करो। ये ट्रिपल वाला भी तो एक काउंट करना पड़ेगा ना यार, इसको भी तो काउंट करेंगे, प्लस वन है ना। तो भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 29, यानी कि 29, ठीक है, 29 यानी कि 29 इसका राइट आंसर होगा, है ना, 29 इसका राइट आंसर है। आई होप सो क्लियर हो गया। एक बार डन कर दो यार, एक बार डन डनाडन कर दो कि ये समझ में आया है कि नहीं आया, बताइए। चलो नेक्स्ट भाई, इसको देखिए आप क्या करें भाई। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको ट्राई तो करो एक बार, मैं तो करा ही दूंगी, लेकिन एक बार ट्राई कर लो पहले, फिर करते हैं। देखो भाई सीधी सी बात तो ये थी, चेक करो, ये देखिए, ये है आपका पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, चार। चार का अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास हो जाता है आठ, हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए, एक तो बड़ा वाला आ रहा है और चार ये छोटे छोटे से आ रहे हैं, यानी पांच। एक कॉर्नर से आपको पांच मिल रहे हैं, चारों कॉर्नर से 20 मिल जाएंगे, सिंपल आंसर है 28, सही है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 28 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना, सरल था ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखो ये वाला फिगर बहुत मस्त है यार, इसको करके देखो एक बार, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको, बहुत इजी है, बहुत प्यारा सवाल है, करके देखिए एक बार आप इसे सॉल्व। स्टार वाला फिगर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्टार है ना स्टार। अब इससे स्टार का क्या करें हम लोग, देखो सबसे पहले तो आपको सिंगल सिंगल वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सिंगल सिंगल पांच तो हमें वैसे भी मिल रहे हैं, बस समझने की बात है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सिंगल सिंगल हमें पांच तो वैसे भी मिल जाएंगे, हमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं, पांच हमारे पास आ गया। लेकिन इन पांच के अलावा वाली बात जो है वो हमें बहुत समझनी पड़ेगी, कैसे। देखिए स्टार का हर जो पॉइंट होता है ना, हर पॉइंट मतलब ये वाला, ठीक है, हर एच पे, हर पॉइंट के सामने की साइड पे एक बड़ा ट्राइंगल मिलता है हम लोग को, जैसे इसके सामने ही जस्ट एक बड़ा ट्राइंगल मिल रहा है कि नहीं। इसके सामने भी देखो एक जस्ट बड़ा ट्राइंगल मिल रहा होगा जो हम लोगों ने अभी तक काउंट नहीं करा होगा, ये देखो मिल रहा है ना, इसके सामने भी ये देखो एक बड़ा ट्राइंगल आप लोग को मिल रहा होगा, है ना। तो भाई तीन आपके पांचों साइड पे आपके एक एक ट्राइंगल मिलेगा, तो 5 + 5 बराबर सीधी सी बात है कि 10 हो जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर आपको 10 मिलेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा इस तरीके का फिगर हो स्टार वाला तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इस फिगर पे, इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ, पहले एक बार ट्राई कर लो आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सा, चेक करो। चलिए बन गया, अब देखो भाई ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें गाइस, देखो ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, इसको कहते हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। इंक्लाइंड का मतलब होता है एक ट्राइंगल हो मान लो, और वो उसके अंदर एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा हो, वो भी उसके मिड पॉइंट्स को टच करते हुए, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा हो उसके मिड पॉइंट्स पे, इस तरीके से ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल अगर इंक्लाइंड हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 × n-3, ये हमेशा के लिए याद रखना, 4 × n-3, ठीक है,
फोर इंटू एन माइनस थ्री. अब ये क्या होता है फोर इंटू एन माइनस थ्री, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे काउंट तो करो, ये पहला, दूसरा, तीन, चार और एक सबसे छोटा अंदर पाँच. पाँच है तो निकाल लो, ट्रिक लगा लो, फोर इंटू फाइव माइनस के थ्री यानी कि 20, 20 में से 3 घटा दीजिए, 17, 17 ट्राइंगल से गिनोगे तब भी 17 ही आएंगे, गिन लीजिएगा. ठीक है, सही है. तो जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स इंक्लाइंड होते हैं मिड पॉइंट्स पर, तब 4n माइनस 3 वाला हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, जिसमें n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हो. कितने ट्राइंगल्स हैं एक बार फिर से बताती हूँ, 1, 2, 3 और ये चौथा और एक सबसे अंदर पाँच. पाँच थे तो हम लोगों ने यहाँ पे 4n माइनस 3, n की जगह 5 लिख दिया. ठीक है, आंसर 17 आ गया. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं. ये थोड़ा अलग फिगर है, पिछले वाले जैसा नहीं है, बट इसमें आप लोग काउंट कर सकते हो क्योंकि ये तो तरीका आपको समझ में आ ही चुका है. चलिए बनाए. अब देखिए भाई, मैंने कहा था ऐसे वाले फिगर पे आप लोगों को तीन तीन ट्राइंगल्स मिलते हैं कि नहीं, तो तीन यहाँ से मिल रहे होंगे, चेक करो. तीन हमें यहाँ से मिलेगा, तीन हमें यहाँ से मिलेंगे. तीन कैसे मिलते हैं देखो भाई, जो नए भी आए होंगे उनको भी सीखने को मिल जाएगा. एक ट्राइंगल अगर उसके अंदर बीच में एक लाइन है तो डेफिनेटली वहाँ पे तीन ट्राइंगल्स होते हैं, एक सबसे बड़ा वाला, कुल मिलाकर तीन. तो तीन हमें यहाँ से भी मिलेगा, तीन यहाँ से और तीन हमें यहाँ से नीचे से, यानी 18 तो हमें वैसे भी मिल गए, है ना. अगर हम काउंट करें तो 18 हमें मिल चुके हैं. 18 के बाद यार अंदर वाले ट्राइंगल्स, ये वाला एक छोटा एक छोटा एक छोटा एक छोटा, चार. और अब बड़े वाले जो हमने अभी तक काउंट नहीं करे, एक तो ये वाला, एक ये और एक सबसे बड़ा. गाइस सबसे बड़े को कहाँ काउंट किया था अभी, तो तीन और एक्स्ट्रा हो गए, यानी कितना हो गया भाई, 25. ठीक है ना, आई होप सो क्लियर हो गया होगा. एक बार क्लियर वाला मैसेज कर दीजिए, डन वाला, जल्दी से डन डना डन कर दीजिए फटाफट से. चलिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्लास टाइम जिनको नहीं पता है वो लिखा हुआ है. और गाइज अन अकेडमी पे भी आप लोग मेरी फ्री क्लासेस कर सकते हो भाई. अन अकेडमी की फ्री क्लासेस का समय है सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे. ठीक है, उसके लिए पता नहीं है क्या करना है, बहुत सिंपल काम है भाई, सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है आप लोगों को. अभी सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, रितिका तोमर नाम सर्च करना है और फॉलो करना है. ठीक है, रितिका तोमर अन अकेडमी पे अभी नाम सर्च करो, पूरा का पूरा फॉलो करने के लिए ऑप्शन सामने मिलेगा. फ्री क्लासेस में ज्वाइन करो, बहुत ही बेस्ट फ्री क्लासेस चल रही है. जिन लोगों का पेपर है, खासकर एमटीएस का भी पेपर है, जीडी का भी, तो वो लोग जरूर इसको आप लोग ज्वाइन करिए. अन अकेडमी की फ्री क्लासेस बता रही हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भाई. इस फिगर का आंसर हमें करना है फास्टेस्ट. जो ट्रिक्स आपको अब तक बताई हैं उससे आप इसका आंसर बहुत जल्दी कर सकते हो. बन गया ना, देखो ये तो स्क्वायर है और इसमें हम लोग वही वाला मेथड लगाएंगे अपना, नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा पार्ट. 6 का डबल कर दो 12, तो यहाँ से हो गया. तीन तीन हमारे यहाँ से निकल के आएंगे चारों तरफ से, है ना. तीन तीन हमारे यहाँ पे चारों तरफ से निकल के आएंगे, तो 12 तो यहाँ से भी हो जाएंगे, 24. लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं है भाई, हिडन वाले फिगर्स को भूलोगे नहीं. मैंने क्या कहा था, हिडन वाले फिगर्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे दो फिगर्स ऐड होते हैं. अब यहाँ से तो बीच में से लाइन ही टूट गई, तो इसका तो कोई चक्कर नहीं है, बट ये वाली लाइंस तो जुड़ी हुई है ना. तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा नीचे की तरफ, एक आपका ये वाला बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा ये वाला. कुल मिलाकर कितने बनेंगे, 4 और बन गए एक्स्ट्रा में, तो हमारे पास आंसर आ गया 28. है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना, यस पहला आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट से. यहाँ पे बताओ यार, ये बताओ, चलो स्टार वाला बताया था ना अभी कैसे कर रहे हैं, बस उसी को ट्रिक को लगा दो फटाफट से.
देखो भाई स्टार वाला कैसे करेंगे, देखो ना या अब इस बार थोड़ा चेंज है, यहाँ से तीन तीन मिल रहा होगा आपको, पहले सिंगल सिंगल मिलता था, बीच में एक लाइन होने की वजह से यहाँ से तीन मिलेगा, यहाँ से भी तीन मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, तीन, पांच बार, पंद्रह, पंद्रह हो गया, पंद्रह, पंद्रह के अलावा मैंने क्या बताया था, स्टार के हर पॉइंट से सामने की साइड पे एक बड़ा वाला ट्राइंगल मिलता है, बताया था, यहाँ पे भी स्टार के हर पॉइंट से सामने की साइड पे एक बड़ा वाला ट्राइंगल मिलेगा, तो कितनी साइड, कितने पॉइंट है, पांच पॉइंट है स्टार में, तो पंद्रह यहाँ पे, पांच यहाँ पर, कुल मिलाकर बीस हो जाएगा, इसका आंसर है ट्वेंटी, ठीक है, यस ट्वेंटी विल बी द राइट आंसर, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला एक और स्टार वाला आ गया, चलो स्टार वाले का मैं लॉजिक आपको बता चुकी हूँ, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बन गया, देखो भाई सुनो, अब यहाँ पर यार देखो मैं बता देती हूँ, एक अगर ट्राइंगल है बीच में अगर उसके वर्टिकल लाइंस है तो आपको सबको पता है ना, वन टू थ्री इन सबको हम ऐड कर देते हैं, पहला दूसरा और तीसरा पार्ट ऐड करने पे सिक्स आ रहा होगा, ठीक है सिक्स आ रहा है ना, तो बस फिर क्या कर दीजिए, इस एक पार्ट से यहाँ पे सिक्स मिल रहे हैं हमें, तो पाँच पार्ट से ऐसे यानी छः पंचे तीस मिलेंगे सीधे सीधे, उसके अलावा अभी बताया था कि स्टार के सामने की साइड पर हमें एक बड़ा ट्राइंगल मिलता है ये वाला, इसके सामने भी एक और बड़ा मिलेगा ये वाला, इसके सामने भी एक और बड़ा मिलेगा हमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे, ऐसे पांचों के सामने से मिल जाएगा, यानी पांच तो एक्स्ट्रा होने ही हैं, 35 इसका आंसर आ गया, बताओ। अब जब ऐसा हमें पता होता तो बन जाता है कि नहीं, और अब आज के बाद तो बन ही जाएगा है ना, चलिए आई होप सो बन जाएगा आज के बाद, चलिए आगे चलते हैं गाइस, इस वाले क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर निकाल लो फटाफट से, क्या होगा जल्दी से सॉल्व कर लो, चलो बनाए, देखो भाई ये वाला बताइए, ये हो गया आपका वन टू थ्री फोर, ठीक है ये हो गया वन टू थ्री फोर, तो आठ आठ सोलह हो गए, सोलह और चार ये वाले कितने हो गए, सोलह प्लस चार बराबर ट्वेंटी, ठीक है सोलह प्लस चार बराबर ट्वेंटी हो गया हमारा, है ना ट्वेंटी हो गया, अच्छा ठीक है, अब ट्वेंटी के बाद भाई ये वाला और एक ही वाला हिडन, 22 हो जाएंगे फाइनली, यानी इसका आंसर है 22, अगर आप लगाओगे तो इसमें 22 पे टिक करना, ठीक है चलिए कोई नहीं आगे चलते हैं, इधर कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं भाई, अब तो बस क्वेश्चन देखो आंसर करो, क्योंकि आपको इतनी ट्रिक्स ऑलरेडी बता दी गई हैं कि आप लोग हर तरीके के फिगर का आंसर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, देखिए देखिए भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, तो सिक्स यहाँ पर हो गए, सिक्स का डबल कर दीजिए कितना होगा, ट्वेल्व होगा, उसके बाद तीन यहाँ से, पंद्रह हुआ, पंद्रह के बाद दो और थे एक्स्ट्रा हिडन वाले, अगर भूल जाओगे ना नंबर कट जाएंगे तुम लोग के, ये देखो इन दोनों को मत भूलना कभी, यही भूल जाते हैं सब लोग अक्सर, पंद्रह प्लस दो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सत्रह हो जाएगा, ठीक है यही वाले सभी लोग भूल जाते हैं, और जैसे ये भूले सो ही नंबर कटे, ठीक है तो इसका आंसर है 17। चलो एक और करते हैं, यहाँ वाले पे बताओ चलो कितने हैं, इसमें लग रहे बहुत कम है लेकिन है बहुत ज़्यादा, अभी बताना देखना इस पर कितने हैं, चलो पहले तो सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है देख लेते हैं कितने लोगों से बन रहा है, वन छोटा छोटा टू थ्री फोर फाइव
5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, देखते जाओ छोटे छोटे गिने अभी मैंने, सिर्फ छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक वाले, ठीक है। 10 के बाद गाइज 1, 2 साइड में ये वाला 3, ये वाला 4, मतलब 4 और 14 हो गए 14, लेकिन 14 के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और है देख लेना। 14 देख के तुम लोग लगा मत देना अभी, देख लो भाई। एक तो ये होगा पूरा का पूरा साइड वाला, इसको तो काउंट नहीं किया था ना, इस वाले को भी काउंट नहीं किया था, ना ही हमने इसको काउंट किया, ना ही हमने इस वाले को काउंट किया, यानी हमारे पास 4 और आ गए एक्स्ट्रा। यही तो नंबर कटते हैं भाई, और कहाँ कटते हैं। अगर यही बन जाता तो हमारा बन जाता ना यार, ऐसा थोड़ी। बट आज के बाद सारे बन जाएंगे आप लोगों से, ऐसे जितने भी फिगर्स आएंगे वो डेफिनेटली आप लोगों से बनते हुए चले जाएंगे। चलो इसका बताओ, बहुत प्यारा फिगर है, बहुत छोटा सा, आंसर भी बहुत छोटा सा है, देखते कितने लोगों से बनता है, बताइए। यहाँ पे आप लोगों के पास कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, फाइंड करिए 15 सेकंड्स के अंदर। गाइस ट्राइंगल्स आज करा रही हूँ, हाई लेवल ट्राइंगल भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, अगली क्लास में, है ना। बट आप लोगों को मेरे साथ डेली इसी टाइमिंग पे इसी चैनल पे जुड़ना होगा, और गाइस एन एकेडमी में खासकर फ्री क्लासेस आप लोग जरूर करें, उसको नहीं छोड़ना है। सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे के टाइमिंग पे उसको आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फ्री क्लासेस सिर्फ नाम सर्च कर लो रितिका तोमर, है ना, RITIKATOMER नाम सर्च कर लोगे ना तो आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ फॉलो करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, फॉलो कर लीजिए, फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। RITIKATOMER फॉलो करना। चलो 3 तो आपको यहां से मिलेगा, याद रखना, और 3 यहां से, क्योंकि बीच में एक लाइन है ना। तुम लोग कहोगे मैडम 3 कहां से, अरे भाई ट्राइंगल के बीच में एक लाइन हुई सोई वो 3 हो गए, एक दरार आई बीच में सोई टुकड़े हो जाते हैं, बस वही वाला खेल है। 6 तो सीधे सीधे आ गए, 6, अब 6 आंसर थोड़ी है, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 2 और है हमारे पास बड़े वाले, देखो एक तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बनेगा, और एक यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बनेगा, तो 6 + 2 बराबर, अब इससे ज्यादा नहीं है यार, बाकी तो सब हमने पहले काउंट कर लिए थे, 8 आएगा, 8, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया, एक बार क्लियर करो फिर आगे चलते हैं। एंड गाइज इसी चैनल सेम टाइमिंग सेम चैनल पे आप लोग मेरे साथ आ सकते हो, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, टाइमिंग वगैरह भी सब लिखा हुआ है, देखते हुए चलो पढ़ाई करो, ठीक है, आना है क्लास में। टॉपिक वाइज हम लोग करते हैं यहाँ पे, एक दिन टेस्ट एक दिन टॉपिक, इस तरीके से हमारा चल रहा है। आप लोग डेली क्लास में जरूर जुड़िए, मैं आप लोग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इसमें तो बता दो यार, एकदम ईजी सवाल है, तुरंत बता दो यार यहाँ पे तो जब तुम लोगों ने ट्रिक सीख ली है ना, कोई सा भी सवाल है कभी गलत नहीं होगा। देखो 1, 2, 3, 4 सिंपल, और ये वाला भी तो एक एक ट्राइंगल बनेगा, 4 यहाँ 4 इधर, 8 हो गए टोटल, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं था किसी को, 8 आ गया। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे कितने होने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल SSC में पूछ लेता कभी कभी, और बनते भी नहीं है हम लोगों से। ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी कभी पूछता है हम लोगों से, बनते भी नहीं है, बता तो रही हूँ। चलो बताएं, देखो यहां से कितना मिलेगा हमें, वही वाला नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 2 वाला मेथड लगा लो, 1, 2, 3 एंड 4, तो भाई 4 का डबल करेंगे, 8 यहां से आ गया, 4 कोने में और 4 इस वाले कोने में, ये वाले 8, 8, 16, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, 8 और 8, 16 हो गया, यहाँ पे 12 नहीं है 16 है, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा गया है गाइस, कितने रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स के लिए ट्रिक मैंने आपको वैसे बताई हुई है, सिखाई हुई है, अगर आपको याद हो तो बताइए। देखो भाई रेक्टेंगल्स में क्या करते हैं, पहले हम रो की नंबरिंग कर लेते हैं, 2 रो है हमारे पास, 2 कॉलम है, पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम,
पहले रो की नंबरिंग करो, कॉलम की नंबरिंग करो, ऐड कर लो थ्री, इसको भी ऐड करो, ये वाला पहला कॉलम है, ये वाला दूसरा, इन इधर वालों को भी ऐड कर लिए, थ्री थ्री आया ना, जो भी वैल्यूज आती है उसका मल्टीप्लाई कर देते, थ्री इंटू थ्री, यानी यहाँ पे नाइन हमारे पास रेक्टेंगल्स होंगे। रेक्टेंगल्स की संख्या है, आयतों की संख्या है यहाँ पर नौ। ये हमेशा फॉलो करेगा, याद रखना रेक्टेंगल के लिए हमेशा, ठीक है। पहले रो की नंबरिंग काउंट कर ले, ऐड कर दो, कॉलम की नंबरिंग दो थी, दो कॉलम थे, ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। इस वाले टुकड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कोई रेक्टेंगल ही नहीं है, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और गाइज, ये आपके फ्री क्लासेस का टाइम लिखा है सुबह 11 बजे का, अनअकैडमी ऐप का। सिर्फ आप लोग को मेरा नाम सर्च करना है, रितिका तोमर, RITIKATOMAR, ये नाम जैसे आप सर्च कर लोगे ना, ठीक है, नाम आप जैसे ये वाला सर्च कर लोगे, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, उसे फॉलो करने का काम है बस आपका, सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और रेक्टेंगल निकालेंगे, निकालिए ज़रा एक और, मैं रेक्टेंगल पूछा गया है, बताओ। देखिए भाई, पहला, दूसरा और तीन कंप्लीट बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ पे भी एक और दो और एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, छः, छः के बाद एक ये वाला हो जाएगा छोटा सा, सात, और एक पूरा बड़ा हो जाएगा आठ। आठ तक तो सबने काउंट कर लिए होंगे, नो डाउट, लेकिन जिन्होंने आठ दिया है आंसर उनका थोड़ा सा गलत जा रहा है, बिकॉज हम एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल तो काउंट ही नहीं कर पाए हैं, जो कि ये वाला था, इसको कहाँ काउंट किया था, तो आठ प्लस वन बराबर यहाँ पर भी नौ ही होगा। अगर आप इसमें नौ पे टिक करोगे तो नौ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं गाइज, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ट्राइंगल चल रहा था हमारा, तो हम ट्राइंगल पे ही चलते हैं वापस, है ना। चलिए इस वाले का आंसर और निकाल दो जरा फटाफट से, कितना आएगा, 20 आएगा ना, बताया था ना इस वाले फिगर में। देखो पहले तो हमने 1 + 2 + 3 + 4 करा, 10 यहाँ से आया, और उल्टी में भी 1 + 2 + 3 + 4 करना पड़ेगा। अभी बताया 10 10 20 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 20 पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या बताना है, स्ट्रेट लाइंस, ट्रायंगल नहीं बताने, ट्रायंगल तो हाल बता दोगे, आठ आएंगे, स्ट्रेट लाइंस कितनी है वो बतानी है, बताओ ज़रा स्ट्रेट लाइंस कितनी है यहाँ पे, वो फाइंड आउट करनी है, करो। चलो देखो मैं बताती हूँ, स्ट्रेट लाइंस काउंट करते हैं, पहली, दूसरी, तीन, चार, पाँच, छः, सही है। जो पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जाती है वही होती है स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को बताना है यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ये तो आप लोग बता ही सकते हो, बताइए जरा कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। ईजी मैथड, ईजी मैथड, एकदम सिंपल, आपसे अभी बताया था स्टार्टिंग में आज के, ट्राइंगल अब काफ़ी हद तक आप लोग सीख गए होंगे जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा होगा। बेस पे चार, यानी ऐड कर दीजिए सबको, इसको ऐड करने पर 10 आता है हमेशा, बेस पे यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4, ऐड करने पे यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है, 10 और 10 मिलाकर यहाँ पे आ जाएगा 20, इसका आंसर है 20। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा अगले फिगर पे, अब बताते जाना, आपके सामने फिगर्स आते जाएंगे गाइस, इस वाले में बताते जाओ ज़रा कितने हैं, फिगर जैसे आपके सामने आएगा आपको बताना है यहाँ पे कितने हैं, निकालो निकालो निकालो, कितना आएगा, देखो भाई यहाँ पे आ रहेगा आपके पास दो, एक ये वाला है, एक ये वाला है ना, दो आया, तो के बाद इधर कितने आएंगे, अभी बताया था मैंने, जिनको नहीं पता है सीख लीजिए। स्क्वायर में नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू कर लेते हैं हम लोग, पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है ये, तीसरा पार्ट है ये, चौथा है, नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू कर लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू। अच्छा तीसरा, इधर कितने हैं भाई, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू टू क्या, 4 × 2 कर दिया ना, चार पार्ट्स थे, आठ आ गया, आठ ट्राइंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स की संख्या बतानी है स्क्वायर, बट बताना ट्राइंगल्स है, जितने पार्ट्स हो उसका डबल कर दो उतने ट्राइंगल्स होते हैं यहाँ पे। इस वाले में कितने होंगे बताइए, चलो मैं बताती हूँ, देखो इस वाले में कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, है कि नहीं, तो भाई सिक्स का डबल कर दो, सिक्स का डबल करोगे कितना आएगा, 18 आएगा ना,
सिक्स का डबल करोगे आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सॉरी यार क्या हो रहा है, सिक्स का डबल करने पर 12 आना चाहिए था, सॉरी गलती हो गई गाइस, लिखने में गलती, सिक्स का डबल 12, ठीक है 12 कर लेना। इस वाले में कितना हुआ, इतने सारे बार बार काउंट करने पड़ रहे हैं ना, दिमाग घूम जाता है। चलो यहाँ पे भी अब अगर हम करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पार्ट हो गया, पाँच छः सात आठवां पार्ट, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो गाइस, 8 का इंटू 2 से करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, हो गया ना ये 16। इस वाले में कितने आ रहे हैं बता सकते हो ना, कोई बात नहीं, टेढ़ा बनाए तो क्या हुआ, है तो वही 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यहाँ पे भी 8 बनेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे कितने आएंगे, देखो भाई बीच वाले पार्ट से तो 4 का डबल 1 2 3 4 8, साइड में 4 ही तो है छोटे छोटे से, 8 + 4 बराबर 12 हो जाएगा। तो आई होप सो ये तो समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया बिल्कुल बेसिक वाला ना तो बन जाएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ से हो गया, तो जरा इस वाले में बता दो यार कितने हैं, बेस बेस पे काउंट कर लो, बता दो कितने आ रहे हैं, बेस बेस पे काउंट कर लो बता दो, चलो बन गया ना। देखिए भाई ये वाला बेस पे अगर हम काउंट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच छः, यहाँ से ऐड करने पर, भाई देखो जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, आज स्टार्टिंग से मैंने कराया है कि जब भी ट्राइंगल में ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं अगर हमें वहाँ ट्राइंगल निकालने हैं तो हम उन पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स यानी जितने टुकड़े, ऐड करने पर जितने टुकड़े आ गए वर्टिकल लाइन्स के उनको ऐड करने पर उतने ट्राइंगल्स आते हैं। बेस पे काउंट किया हमने यहाँ पे, यहाँ पे भी करेंगे 1 + 2 + 3, यहाँ पे हमारे पास आया 21, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे भी 1 + 2 + 3 करेंगे इस वाले बेस पे तो भी 6, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड करके 10 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 1 2 3 6 आएगा। और मैंने क्या बताया था, बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट करने की जरूरत नहीं, वो नीचे वाले बेस में काउंट हो चुका होता है क्योंकि उसका बेस नीचे वाली लाइन है, वो पहले काउंट हो चुका है। तो काउंट कर लो कितने, 21 10 6 कितने बार है, 3 बार है ना, 6 कितने बार है, 3 बार है, तो बताओ कितना आ गया, 49 आ गया होगा, 49 विल बी द राइट आंसर, 50 करोगे गलत, 50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने बताया ना पहले से काउंट हो चुका था। सो पहले बताओ जल्दी डन हो गया क्या, डन बताइए भाई, डन हो गया है तो क्लास टाइम सेम रहेगा आप लोग का, चैनल का क्लास टाइम बिल्कुल सेम है, 9:15, आप लोग इसी चैनल पर क्लास कर सकते हो हर दिन, ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर क्लास कर सकते हैं हर दिन, ओके। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। और अब आप लोग मेरे अनअकैडमी क्लासेस की टाइमिंग्स नोट कर लीजिएगा इस प्लीज़, ठीक है। अनअकैडमी पे आप लोग मेरे साथ डेली फ्री क्लासेस कर सकते हो, इस समय सबसे टॉप की क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग में 11 बजे, शाम के 4 बजे, रात के 8 बजे, एकदम फ्री क्लासेस चल रही हैं बढ़िया वाली, है ना। तो अगर आप मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में आना चाहे भाई, बहुत ही धमाकेदार क्लासेस चल रही है, सिर्फ अनअकैडमी पे जाके ऊपर सर्चिंग बटन में मेरा नाम सर्च कर लो, रितिका तोमर, आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे ना, ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे ना रितिका तोमर नाम, वैसे ही आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, प्रोफाइल आ जाएगी उसको फॉलो कर लेना, प्रोफाइल को फॉलो करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो रितिका तोमर नाम से आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अनअकैडमी पे आप लोग को मुझे फॉलो कैसे करना है, टाइमिंग्स पूरा नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए भाई किस तरीके से फॉलो करना होता है। देखो मैं बता देती हूँ, ऐप पे जाओगे सबसे पहले यही लिखा हुआ है नाम, सबसे पहले ऐप पर जाइए, ये लिखा हुआ है आपके पास नाम, ठीक है, नाम सर्च कर लीजिए रितिका तोमर, आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद फॉलो करने का ऑप्शन दिखेगा आपको, या फिर आप क्या करिए, इसी वीडियो के नीचे से, वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फॉलो करने का लिंक रहता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं जो लोग मेरा नया प्लस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है गाइज, मेरी प्रोफाइल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, प्लस का नया कोर्स शुरू हो चुका है, ठीक है। तो एसएससी के प्लस पे अगर आप जाना चाहते हो या रेलवे के प्लस पे जाना चाहते हो, वहाँ पे भी मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाइए कैटेगरी चूज करिए, रेलवे एसएससी जो भी है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपके पास पूछेगा कितने मंथ का चाहिए, भाई
तो 1 ईयर का सबसे बेस्ट होता है, 2 ईयर का उससे भी बेस्ट, ठीक है। उसके बाद कोड, भाई डिस्काउंट के लिए कोड तो पूछेगा ना, कौन सी मैडम का कोड लगाना है, तो भैया रितिका 10 लगाना है, हमें तो अपनी मैडम का ही कोड लगाना है, तो रितिका 10 कोड लगाएंगे हम लोग, RITIK10, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। स्पेस देंगे तो फिर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, वैलिड नहीं बताएगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आप अपने फ्री कॉइन्स जो आपको फ्री क्लासेस से मिलते हैं उसको भी रिडीम कर लो, आपका हो जाएगा काम, ठीक है, उसको भी लगा देना, 20% डिस्काउंट हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, सेम टाइमिंग सेम चैनल, ठीक है। क्लासेस करते रहिए, खासकर अनअकैडमी क्लास में ज़रूर आइए गाइज, स्पीड इंक्रीज के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर स्पीड कम है तभी बढ़ सकती है जब आप अनअकैडमी क्लास में आओगे। अभी जाओ तुरंत फॉलो करो, मेरा नाम ये लिखा हुआ है, और फ्री क्लास लेनी है, टेस्ट देना है SSC कॉम्बैट या फिर डिस्काउंट चाहिए भाई, तो एक ही कोड काम करेगा अनअकैडमी पे हर जगह, रितिका 10, ठीक है, RITIKA10, इस कोड को आप लगाइए, बढ़िया तरीके से क्लास करिए। तो होप्सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट क्लास सेम चैनल सेम टाइमिंग सेम मैम के साथ सेम स्टूडेंट्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड डे।